इससे कुछ होगा भी या नहीं? होगा, जरूर होगा। नाम भाभी को बचाएंगे कैसे? टेम्परेचर तो लो हो रहा है लेकिन माँ का पिघलना बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी काम नहीं कर रहा। हंस, अगर बेटा हम वैदेशी को ठीक नहीं कर पाए तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। बेटा पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। वो सब तो बात की बात है, सबसे पहले हमें भाभी को पिघलने से रोकना है, कुछ करो। लेकिन चिताली कैसे? आप लोग पिया को क्यों नहीं बोलते? ये तो दैविक है ना, हवा पानी आग सब इसके काबू में है। भाभी डायन बिल्कुल ठीक कह रही है, पिया तुम तो हवा को रोक सकती हो, आग को बुझा सकती हो, पानी को जमा सकती हो, नहीं तो मेरी वैदेशी भाभी को भी पिघलने से रोक सकती होगी, है ना? या तुम कुछ क्यों नहीं करती? तुम तो माँ की मदद कर ही सकती हो ना, तुम तो दैविक हो ना। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? या तुम दैविक हो? I'm sorry, अंश, मैं माँ को पिघलने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं कोई तरीका ढूंढ सकती हूँ। मैं अभी आई। इस कॉलर का नंबर क्यों नहीं आ रहा? डैड, हेलो डैड, डैड इज इट यू? हेलो डैड, हेलो डैड, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है डैड मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, शायद वो मुझे कुछ बताना चाहते। वहां तो बोल दिया, लेकिन तुम खुद जानती हो तुम्हारे पास छुटकी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। वो तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जब डायन के सीने में माँ का दिल नहीं होता तो बहन का दिल कहाँ से होगा? जब मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं तो बहन क्या चीज है? लेकिन तुम्हें तो छुटकी की परवाह है, इसीलिए तुम उसको ठीक करने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। बहू का फर्ज निभाना चाहती हो ना, तो निभाओ। माँ ठीक कैसे होंगी? मैं क्यों बताऊं? स्टायन से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। अब जो करना है मुझे करना है। हेलो सावी, तुमने डायन रास्ते में देखा, कुछ पता चला तुम्हें? नहीं प्यादी, त्रिनेत्र मणि के बारे में डायन रहस्य में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जब हम आपको त्रिशंक लोक से वापस लाने की कोशिश कर रहे थे तभी भी हमें कुछ ज्यादा नहीं मिला था। बस इसमें इतना ही लिखा है कि त्रिनेत्र मणि का इस्तेमाल करना ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। वो तो माँ की हालत देख के समझ आ गया सावी, लेकिन हमें पता ये लगाना है कि माँ को ठीक कैसे किया जा सकता है। एक काम करो, बाबा से पूछो, बाबा को जरूर कुछ पता होगा। वो पिया दी
इसमें कुछ क्रिएचर्स के नाम की लिस्ट है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और इसमें सबसे ऊपर हिम पक्षी का नाम है। अपने काम समय में हम हिम पक्षी को कहाँ से ढूंढेंगे? कोई और तरीका ढूंढो सावी। एक काम करो, तुम मेरी बात बाबा से करा दो, मैं उनसे पूछती हूँ। डैड, वो पिया दी डैड एक्चुअली। सावी बेटा, मुझे बात करने दो। लाओ पिया बेटा। पंडित जी, आप, मुझे लगता है कि कुछ जड़ी बूटियां हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन ये उपाय कारगर सिद्ध होगा कि नहीं ये मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता। पिया, पिया, कुछ पता चला? क्या करने जा रही थी तू? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी उसे कुछ नहीं बताना है। बेटा, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। पिया दी ठीक कह रही थी, अगर इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ डैड थे। पिया, तुम दैविक हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, फिर माँ को ठीक करने में तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? समझ नहीं रही, मैं माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसलिए बात बात पर गुस्सा हो जा रहा हूं। I'm sorry अंश, जाकर भी कुछ नहीं कर पा रही। माँ ने मेरी इतनी मदद की लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। कोशिश तो कर रही हो ना? डोंट वरी, हम मिलकर माँ को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे। अंश, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, चुटकी को ठीक करने का रास्ता ढूंढने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये तो दैविक है ना, इसे जरूर पता होगा चुटकी को कैसे ठीक करना है। हाँ पता है, पंडित जी ने तरीका बताया है, आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ को ठीक कर लेंगे। या, बेटा पक्का इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये शीत वाटिका है, दुनिया की सबसे ठंडी जड़ी बूटी, इससे माँ का पिघलना जरूर बंद हो जाएगा। लेकिन इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पिया। अंश, थोड़ा थोड़ा टाइम दो बेटा, असर होगा, फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, देखो। हाँ अंश, भाभी तो अभी भी पिघल रही है। पिया, पिया ये क्या हो रहा है? लगता है शीत वाटिका का भी कोई असर नहीं हो रहा है। नो मां, मां नहीं मां, प्लीज बस बेटा बस, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मां, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, आप जो कहेगी मैं करूंगा, आपका अच्छा बेटा बनूंगा मैं, प्लीज। अच्छा प्लीज, मुझे